कोमल हृदय की कोमलता में दया का भाव तो स्वाभाविक है, और वो भी एक अबोध बालक। कीट की रक्षा भी की और साथ ही अनजाने में ही जल चढ़ाकर अर्थ गणपति का आशीष भी पा लिया। उस अबोध बालक को सांसारिक ज्ञान तो मिल रहा था, किंतु उसके कोमल हृदय को अध्यात्म का ज्ञान कहाँ था। पर वो झिंगूर कीट की रक्षा करते करते अनजाने में उस पेड़ की जड़ में वास करने वाले प्रभु महागणाधिपति की प्रतिदिन उपासना करने लगा। लगता है कल उचित प्रकार से भोजन नहीं किया, इसलिए अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हो। लो ये दुर्बा और जल तुम्हारे लिए रख दिए मैंने। माँ कहती है भोजन और जल ग्रहण करना कदापि नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय। ये माँ का बनाया लड्डू है, ये भी खा लेना। भक्त प्रियाय माँ ने भोजन के लिए दिया था, किंतु भोजन बांटकर खाना अच्छा होता है, तो मैं ये तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा। देखा माँ के बनाए लड्डू से तुम्हारी सेहत कैसे निखर गई। अब तुम छलांग लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम यहाँ वहाँ घूमने लगो। भोजन की चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रतिदिन दुर्बा जल और अपने भोजन में से कुछ देता रहूंगा, ये भी खा लेना। अपना ध्यान रखना। फिर एक दिन वो कीट वहां से चला भी गया, किंतु बल्लाल बालक ने वहां दुर्वा और जल रखना नहीं छोड़ा। वो तो आज भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, किंतु उसे पता तो है कि मैं उसके लिए प्रतिदिन भोजन रखता हूँ, वो अवश्य आएगा। ईश्वर का आशीर्वाद व्यक्ति को किस अच्छे कार्य से मिल जाए, कौन उसका माध्यम बन जाए, कहना सरल नहीं है। उचित कहा आपने प्रिय, आशीर्वाद स्वरूप बल्लाल को एक नया जीवन मिलने वाला था, किंतु वर्तमान में वो अपने बाल्यावस्था के आनंद को खो रहा था, युवाओं का जीवन जी रहा था जो उसने नहीं उसके पिता ने निर्धारित किया था। उठो पुत्र, उठो। बल्लाल वहां पर क्यों रुके हो, इधर आओ। जी पिताजी। आज से दोपहर में विश्राम करना बंद करो पुत्र। जो आलसी होते हैं, जिन्हें ना कुछ सीखना होता है ना कुछ करना होता है, वो ऐसा करते हैं। आज दोपहर से तुम मेरे साथ दुकान पर चलोगे और मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊं। परंतु नहीं, वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। मैंने उचित कहा ना पुत्र? हाँ पिताजी। चल चलो ना बल्लाल, हमारे साथ खेलो ना। नहीं तुम लोग खेलो, मुझे पिताजी के साथ दुकान जाना है। चलो आओ पुत्र, बैठ। पुत्र,
तुम्हारे मुख से पहले निकले उससे पहले से मैं तुम्हें व्यापार का ज्ञान देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ। देखो, इस प्रकार मैं किसी भी वस्तु को तोलता हूँ, ध्यान से देखना। तो अब स्वयं प्रयास करो। लो, धीरे, ये समान हो गया है, पहले वजन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब डाल। जिस दंड से बालक गिली डंडा खेलते हैं, उसी दंड से बल्लाल अपने पिता की दुकान पर भार तौलने का अभ्यास कर रहा था। इसी प्रकार बल्लाल अब प्रतिदिन अपने पिता के साथ दुकान पर आता था और फिर कुछ ही दिनों बाद पिताश्री, अरे आओ, ये है मेरा पुत्र बल्लाल। ये गणित विद्या के विख्यात गुरु हैं। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम गुरु जी। संध्या काल का समय तो तुम्हारे पास होता है, तो आज संध्या से गुरुवर तुम्हें गणित सिखाएंगे। अब गणित भी बल्लाल की दिनचर्या का भाग बन गया था, किंतु कल्याण को इतने में संतोष नहीं हुआ। उसने बल्लाल पर दो अन्य पाठ का बोझ भी डाल दिया। पिता की महत्वाकांक्षा के कारण उस बालक का बचपन दबता जा रहा था, किंतु बालक का बाल्यपन तो स्वाभाविक है। ये जानने के लिए एक छोटी सी घटना पर्याप्त। वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। जो भी है, मैं तो नहीं खेल सकता, पिताजी ने मना जो किया है। ये तो गेंद है, वस्त्रों से बनी हुई। बल्लाल, देखते ही मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। उठाओ ना बल्लाल, फेंको ना। बड़ी विचित्र है ये गेंद। बल्लाल, देखते मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। क्या कर रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? गेंद जीवन में पहली बार देखी है क्या? हाँ, पहली बार देखी है। इसने आज तक गेंद ही नहीं देखी, तो खेला कैसे होगा इसने? चलो, अब तो देख ली ना, तो फेंको हमारी ओर। ये क्या, तुझे तो गेंद फेंकनी भी नहीं आती। रुको रुको रुको, देखो ऐसे पकड़ो और थोड़ा बल लगा के ऐसे फेंको। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ समझ गया,
जब इसे उछाल के पकड़ोगे तो खेलने का मन करेगा ही ना, और आनंद भी बहुत आएगा। हाँ हाँ, और इससे हाथों की सिकाई भी हो जाती है गेंद पकड़ने से। अच्छा हाँ हाँ। बल्लाल, अब तुम आ ही गए हो तो खेल भी लो, क्योंकि आज तुम्हारे कोई गुरु नहीं आएंगे। निकट का बांध जो टूट गया है और मार्ग भी बंद है। किंतु मुझे तो गेंद फेंकनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे खेलूं? तुम चिंता छोड़ दो, वो तुम्हें चोटी में सिखा देंगे। तब ठीक है, चलो चलो, बल्लाल भी खेलेगा, बहुत आनंद आएगा। चलो चलो चलो। हाँ, ये, ये। इसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पीछे लेके जाने के बाद ऐसे फेंकते हैं। लो, अब तुम प्रयास करो, चले जाओ और फेंको, ठीक है? ये, 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 ये। किस माँ को अपने बच्चे की खिलखिलाहट नहीं भाएगी? बल्लाल पहली बार इतना खिलखिलाकर हंस रहा है, और बालक और खेल का संबंध तो पुष्प और उसकी सुगंध के जैसा होता है। मैं कह रहा हूं ना, खेलने कूदने में बालक का कोई लाभ नहीं होता, समय व्यर्थ होता है बस। किंतु मैं तो अपने पुत्र को बांधकर नहीं रखूंगा भाई, वो तो खेलेगा भी और कूदेगा भी, और भूख भी अधिक लगेगी, तो अब से चावल थोड़ा अधिक ही दिया करो कल्याण भैया। अरे थोड़ा और डाल दो। बांध कर मैं भी नहीं रखता अपने पुत्र को, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं है उसकी, पढ़ने में मन लगता है उसका। खेलने के आनंद का अनुभव अभी उसे हुआ ही कहाँ है, इतनी छोटी आयु में तुमने उसे गुरुकुल भेज दिया, पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। हाँ, क्योंकि छोटी आयु में सब सीख लेगा तो समय से पहले सफल भी होगा, इसलिए मुझे बुद्धि मत दो। मेरे पुत्र की रुचि ज्ञात है मुझे। ठीक है चलता हूं। इसके बालक खेल कर शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें भूख लगती है। तो मेरा पुत्र मानसिक कार्य करता है, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है, किंतु मैं तो उसे कुछ अतिरिक्त भोजन नहीं देता। देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। चलो, इस भोला दास ने अनजाने में ही सही एक भली बात तो कही। क्यों पुत्र बल्लाल, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ पिताजी, वो आज पहली बार मैं खेल। स्वामी, ये बादाम लो बल्लाल के लिए, प्रतिदिन भिगोकर खिलाना इसे। जी स्वामी, खिला दूंगी, परंतु अचानक बादाम खिलाने का विचार क्यों आया आपके मन में? इंदुमती, क्योंकि खेल कूद में नहीं, हमारा पुत्र बुद्धि के कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है ना, और बादाम बुद्धि के लिए अच्छा होता है। पुत्र, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। बस अब ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करते रहना, अपना ध्यान खेल कूद में कभी भटकने मत देना, बता रहा हूं, उसका कोई लाभ नहीं, समझे? देखो, मैंने तो तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। तुम कह रहे थे आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि? ये तो बड़ी दुविधा है, मैंने सत्य कहा तो पिताजी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, और असत्य कहा तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। पिताजी, वो प्रसन्न है क्योंकि मैंने उसे बता दिया है, मार्ग भी ठीक हो गया है, और कल से गुरुजी भी आने लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा कितना समय व्यर्थ हो जाता पुत्र बल्लाल का। प्रणाम गुरुजी। बल्लाल, आज तुम खेलने नहीं आओगे क्या? हाँ, गुरुजी भी तो चले गए। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़ा खेल के पढ़ाई करोगे तो वो भी अच्छी होगी। जाओ पुत्र,
धन्यवाद माँ। कुछ समय के लिए तो उसे अपने बचपन का अनुभव करने की छूट होनी ही चाहिए। जहाँ रुचियों पर रोक हो वहाँ तो व्यक्ति अवश्य जाता है। बल्लाल अब भोर में और शीघ्र उठकर सभी कार्य करने लगा, जिससे वो कुछ समय खेल भी सके। किंतु शीघ्र कल्याण को ये पता लगने वाला था। भाई भोला दास, कैसे हो? खेल कूद कैसा चल रहा है तुम्हारे पुत्र का? भाई मेरा पुत्र तो खेल कूद में बहुत अच्छा है, पर चिंता मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। बच्चे तो खेलना सीख ही जाते हैं, उन्हें आनंद जो आता है। अनर्गल बातें मत करो, किसी और को देखा होगा, मेरा पुत्र और खेल कूद, ना ना असंभव। वो तो गुरुजी का दिया हुआ अभ्यास कर रहा होगा। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कल्याण भैया, वहाँ अन्य बालकों के साथ आपका पुत्र भी खेल रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसे तो स्वयं खेलना अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो कल्याण भैया, कौन बालक होगा भला जिसे खेलना अच्छा नहीं लगता? अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? व्यर्थ में ऊर्जा खपाने का क्या लाभ? भोला दास मुझे ज्ञान मत दो, हे तुम्हारे पुत्र को खेलने देना है खेलने दो, मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा, उसे समर्थ बनाऊंगा और बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम उसे पढ़ा नहीं रहे हो, उसे बांध रहे हो। अपने बल पर व्यापार खड़ा किया है मैंने, खेल कूद से नहीं परिश्रम से, और मेरा पुत्र भी वैसा ही करेगा। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया, उसका सामना करना नहीं सीखा तुमने। खैर मुझे मेरा सामान तो दे दो। अभी मेरी झपकी का समय है, बाद में आना। ठीक है। अरे कल्याण भैया, अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हो? अरे उसे खेलना है तो दिन भर खेले, परंतु हमारे पुत्र को क्यों बिगाड़ता है? अनुशासन का शासन भूल गए क्या? अरे कुछ अपने पुत्र को भी सिखा देते, उससे सीख पाकर हमारे पुत्र बिगड़ रहे हैं। बहुत गर्व था ना तुम्हें उस पर? अब देखो कैसे अपने साथ दूसरे बालकों को भी डुबो रहा है, कैसे अपना समय व्यर्थ कर रहा है और उनसे भी करवा रहा है। क्यों कल्याण भैया, अब तो तुम्हारा घमंड टूट गया होगा ना? जवाब मेरे पीठ पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा? ये स्वयं जाकर देखना होगा। क्या हो गया, आज दुकान पर बंद क्यों कर दी? अरे आवश्यक कार्य है, थोड़ी देर बाद आना और अपना सामान लेकर चल। लो भाई देखो, आज कल्याण भाई ने पहली बार अपना अनुशासन तोड़ा है, दिन में ही दुकान बंद कर दी। बहुत आनंद आया मित्रों, किंतु अब मुझे जाना होगा, गुरुजी का दिया कार्य जो करना है। कुछ समय और रुक जाना बल्लाल। हाँ, अब तो खेलने में भी कितने कुशल हो गए हो तुम। हाँ कितना आनंद आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, किंतु बस एक बार। मुझे क्या था, वो यहाँ हो ही नहीं सकता, वो अवश्य घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ
समझ गया, सब ईर्ष्या करते हैं मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। किंतु इसके मस्तक पर इतना स्वेद क्यों है? पिताजी को कहीं संदेह तो नहीं हो गया? गर्मी हो रही है, मैं पंखा चल देता। किंतु पिताजी, मैंने कार्य पूर्ण कर लिया। पूर्ण हो गया तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक नया पाठ सिखाता हूँ। क्या पाठ पिताजी? व्यापारी होने के नाते तुम्हें अपनी बात दूसरों से मनवाना आना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारी बात कोई भी न टाले? आओ। व्यापार में कोई तुमसे असत्य कहे, अपनी बात ना रखे, तुम्हारा ऋण ना चुकाए, धन ना लौटाए, तो उसमें भय जगाना आवश्यक होता है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा वो किया कैसे जाता है। चल। किसी को बल दिखाकर भयभीत करना तो वो करते हैं जो स्वयं दुर्बल होते हैं, वो भी अपने पुत्र के सामने ऐसा कार्य करना, इससे तो पुत्र के मन में सम्मान नहीं, भय का भाव जाग जाएगा। भय स्वतंत्रता छीन लेता, किसी को भी यंत्रवत बना देता है। ऐसा ही हुआ बल्लाल के साथ। उसका जीवन और भी नियमित हो गया, दिनचर्या का पालन करना ही उसका जीवन बन गया। किंतु दिन का एक भाग ऐसा भी था जो भय से मुक्त था, जब वो खिलखिलाता था। स्वामी, तो फिर प्रभु कब उस बालक की सुन, उसे उसका बचपन लौटाने वाले थे? समय आने पर ही सब होता है देवी, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अब वो समय आ गया था जब बल्लाल प्रभु महागणाधिपति के सामने आने वाला था। क्या हुआ, आज तुम गुरुकुल से श्रीकल लौट आए? हाँ, और आजकल हमारी ओर तुम देखते तक नहीं, मित्रों को अपने भूल गए क्या? क्या हुआ, हमसे कुछ भूल हो गया है क्या, या फिर हमने कुछ कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आओ ना, खेलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं,
मैं नहीं खेल सकता। पता था हमें कि तुम मना ही करोगी। लो ना, खेलो ना। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। खेलो 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 कल्याण तो कहता था कि इसे खेलना अच्छा ही नहीं लगता, परंतु इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। और भोला जी, आज क्या दूं? कुछ चाहिए नहीं, अपना बकाया चुकाने आया हूं मैं। तुम्हारा भी कुछ बकाया है जो मुझे चुकाना है? क्या, मेरा क्या बकाया हो सकता है भला? तुमने असत्य कहा था ना मेरे पुत्र को लेकर कि वो खेल रहा है। असत्य मैंने कहा था या आपने मान लिया है? सत्य तो ये है कल्याण जी कि वो प्रतिदिन खेलता है और अभी अभी मैं उसे खेलता देख कर आ रहा हूँ। और इसमें बुरा ही क्या है? अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे? नहीं नहीं, वो तो पढ़ रहा होगा। क्यों ना अभी चलकर देख लें, उचित है। ठीक है, चलिए। चलो ये देखो कल्याण जी। क्या करवा दिया? बल्लाल, स्वामी, बल्लाल उठो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। आप इसे खड़े मत रहिए, जाइए वैद्य को बुला के ले आइए। बल्लाल, बल्लाल उठो मेरे पुत्र बल्लाल, बल्लाल, पुत्र बल्लाल, बल्लाल उठो। Oh,
इसकी तो श्वास रुक चुकी है। अब वैद्य को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बल्लाल, तेरे पुत्र स्वामी बल्लाल। समय एवं आयु के अनुसार कार्यों में संतुलन बनाना जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन का अंत कैसे हो सकता? पिताजी ये किसे देख रहे हैं? मैं यहाँ तो वहाँ कैसे हूँ? माँ रोइए मत, कोई मुझे क्यों नहीं सुन सकता? मैं सुन सकता हूँ।